पार्टी को 90% की मेजोरिटी मिली, वो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं कि जहां आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम एकदम ठीक ढंग से काम करता है। लोकसभा इलेक्शन में करते हैं काम, गुजरात चुनाव में क्या लग रहा है सर, अगर हार गए तो ईवीएम की गलती होगी या केजरीवाल की होगी? वोट होते हैं, क्या बात करते हैं? अच्छा दुदीन ओवैसी कहते हैं एक दिन हिजाब वाली लड़की इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंशाल्लाह। अरे मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, एक अपनी अध्यक्ष तो बना के दिखाओ भी का महिला, बताइए कौन है? तीन तलाक की पीड़िता ही मैंने किया, हलाला की पीड़िता ही मैंने किया, मुताह की पीड़िता ही मैंने किया, मिसयार की पीड़िता ही मैंने किया, तो जो मेरे पास आएगा उसी करूंगा ना, जो मैं घर जाके थोड़ी क्लाइंट ढूंढ के लाऊंगा। जो दोस्तों आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और अकील खान की आपस में बहुत बढ़िया डिबेट होती है और बहस होती है। बहस होती है किस बात को लेकर कि अकील खान जो बीजेपी के प्रवक्ता को ये बोल देते हैं कि आपकी सरकारें जब भी इलेक्शन जीतती है तो ईवीएम हैक करती है, तो इस पर सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो आपस में काफ़ी गर्मा गर्म बहस होती है। तो दोस्तों अब इसी बहस को डिटेल में देखने के लिए आप ये पूरा वीडियो देखिए। बहस थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, मगर ये बहस बदल गई ईवीएम में, तो ईवीएम के ऊपर भी काफी बात होती रही और ये बहस बदल गई गर्मा गर्म बहस में। तो देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार वीडियो है, तो देखते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। अकील जी आपने ईवीएम पर सवाल उठा दिया, आपने पत्रकारिता पर सवाल उठा दिया, ईवीएम पे मेरा आपसे ये सवाल है ये। सर सुनिए, सवाल तो सुनिए भाई, सवाल तो सुनिए। जिस पार्टी को 90% की मेजोरिटी मिली वो ईवीएम पे सवाल उठा रही। सुधांशु जी यही सवाल मैं आपसे यही सवाल कह रही हूँ कि जहाँ आप जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम एकदम ठीक ढंग से काम करता है। गुजरात चुनाव में क्या लग रहा है सर, अगर हार गए तो ईवीएम की गलती होगी या केजरीवाल की होगी? इलेक्शन ये मैडम लोकसभा में कर सकते हैं, ये स्टेट में जो होती है गवर्नमेंट ये भी कर पाते, ये स्टेट में नहीं कर सकते। 25 लोकसभा सीट पे उन्होंने लोकलाइज करने की कोशिश की डीएम के थ्रू, और जो जो वेस्ट बंगाल में इन्होंने किया है ये ठीक है, ये यूपी में यूपी में इन्होंने मतलब लोकलाइज करने की कोशिश की है। नहीं नहीं यूपी में भी पत्रकार तो आप बन गए, आपने सारा इन्वेस्टिगेशन करके आप बता रहे हैं सर सबूतों के साथ, क्योंकि हम पत्रकार बिना सबूतों के साथ तो बिना कुछ नहीं बोल पाते। आपके पास सबूत हो तो जरा वो दिखा दीजिएगा, आपको वो सबूत दिखा दीजिएगा कि लोकसभा ने कहा ईवीएम से छेड़छाड़ होकर जीत दर्ज की है। सर वो भेज दीजिएगा, सर वो चैनल को भेज दीजिएगा। अकील जी एक सेकंड, सुधांशु जी जवाब इस पर। देखिए कभी कभी कहते हैं कि आदमी खप्तुल हवास और बदमाश होकर क्या बकवास करने लगता है। अरे भाई दोनों इलेक्शन चुनाव आयोग ही कराता है मान्यवर। चुनाव आयोग ने बाकायदा जिसे कहते हैं कि हैकाथन आयोजित किया था कि आओ भाई हैक करके दिखाओ। हद होती है, आपको भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत मिला, 70 में 67 सीटें, 70 में 62 सीटें, और अब जो मैं जीत गया तो वो मैं अपने दम पे जीता और हारा तो ये। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा रियलिस्टिक बोलिए, आप अपनी इस डिबेट को अगर पीछे से आके देखेंगे कहां कहां आप विषय पे गए और क्या क्या बोलते चले गए, इसी कारण से क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। लोकसभा की बात करो सर, ईवीएम का। हाँ तो लोकसभा में हम हार गए तो ईवीएम थी, और हम 90% सीटें जीत गए तो मेरी अपनी जीत थी। महादेवर अगर ऐसी आप बात करेंगे आपको जो, तो मैं फिर कह रहा हूं किसी से पॉलिटिशियन के लिए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी राजनेताओं के लिए विश्वसनीयता का संकट करते हैं उसकी। आप काउंटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं जो 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 वोट होते हैं? अरे वीवीपैट में लगता है भाई, क्या बात करते हैं? ठीक है चलिए, हर मशीन में वीवीपैट का है। बात डिबेट हो चुकी है सर, जरा मैं इसको फिर से चर्चा पर लाना चाह रही हूँ। अब्दुल मनन साहब जरा मुझे ये बताइए कि लॉ कमीशन ने बकायदा जो अपनी बात कही उसमें कहा कि सीधे लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं करना चाहिए, ये उनका विचार था, आप क्या कहेंगे इस पर? कौन नहीं करना चाहता? सॉरी मैं सुन नहीं पाया, फिर से जरा बोलिएगा। ठीक है, लॉ कमीशन ने कहा था कि सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से लॉ कमीशन ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया सर? हाँ तो सही बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड करने में अगर उन्होंने मना कर दिया तो ठीक ही किया, बहुत सही किया ना सर। ठीक है सर, उस पर जरा ये सवाल का सर एक हिस्सा था, जरा दूसरा भी मैं रख दूं फिर उसके बाद आप आराम से जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि लॉ कमीशन में सीधे इसको लागू करने से लॉ कमीशन ने मना किया, लेकिन ये जरूर कहा था कि पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत है, ये सही कहा कि नहीं कहा?
नहीं तो सुधार की जरूरत तो हर संस्था में होती है, होना चाहिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैं, सुधांशु जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मेरे बातों का वो जवाब दे रहे थे, वो कह रहे थे आपने ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाया। सुधांशु जी ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जो हमारी पार्टी को रिकग्निशन दिया है वो संविधान के तहत दिया है और भारत के संविधान के तहत हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है। और ये मत भूलना सुधांशु जी कि आपके गुजरात में हमने दलित महिला को टिकट देकर और चुनाव लड़ा रहे हैं और वो पानी पिला देगा तुम्हारी कैंडिडेट को, महिला पानी पिला देगी। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने हमें तो आप मुसलमानों का नुमाइंदा बता रहे हो, आप बताओ कि आप लोग कितने कैंडिडेट को गुजरात में टिकट दे रहे हो मुसलमानों को। अब सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा हिंदू बनना चाहते हैं, उन्होंने इनका गणेश जी का चित्र लगाने को कह दिया है, इसलिए आप एजेंडा ले आए हो। तो आपके एजेंडे में तो भारत के संविधान में संशोधन भी शामिल है, आपके एजेंडे में तो तिरंगे को भगवान बनाने में शामिल है, आपका एजेंडा तो पूरा देश में जो है मनुस्मृति लागू करने का है। तो आपका एजेंडा क्या देश में चलेगा? ये भारत देश संविधान से चलेगा, आपका कितने पे ताकत हो। ठीक है सुधांशु जी, दूसरी बात मेरी बात सुन लीजिए पूरी, सबको आपने मौका दिया जी। अश्वनी जी अभी कह रहे थे कि मैं मुसलमान संविधान तो मानता हूं, ठीक है कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। मुसलमान लेडीज का मुकदमा लड़ रहा हूँ, ये बताऊ की कितनी लेडीज का ये मुकदमा लड़े हैं जिनके शौहर पांच है, एक औरत से पांच लोग शादी करते हैं उनका मुकदमा ये लड़े, क्या ये बहुत बड़े सेक्टर है? तो इन्होंने बिल्किस बानो का केस लड़ा जिसमें 11 लोगों ने रेप किया है भाजपाइयों ने वहां गुजरात में। तो अश्विनी जी इस पे तो BIL दाखिल नहीं करेंगे। देखिए संविधान में मान्यता आपको बिल्कुल मिलती है, अरे जनाब इस देश में मुस्लिम लीग को भी मान्यता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम के हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए मैंने बात कही थी। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके सदर ओवैसी साहब क्या बोले थे, मतलब मोहतरमे मजलिस मुहाफिजे इत्तेहादुल मुसलमीन सरताज सेक्युलर सियासत आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं एक दिन हिजाब वाली लड़की इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनेगी इंशाअल्लाह। अरे मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, एक अपनी अध्यक्ष तो बना के दिखाओ विकास महिला, बताइए कौन है भाई आपकी अध्यक्ष? अध्यक्ष तो बनाएंगे नहीं और राजनीति करने के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह एक दिन वहां प्रधानमंत्री बनेगी। यही दोहरा चेहरा है, मैं बार बार कह रहा हूं इस ढंग से जो आप लोग चेहरे बदलते हैं उसी लिए समस्या उत्पन्न होती है, कहते कुछ है करते कुछ है। और हम वो हैं जो कहते हैं वही करते हैं, जब जैसा मौका मिलता है हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है अश्विनी जी जल्दी से आपका भी रिस्पॉन्स। देखिए समान नागरिक संहिता भारत के संविधान की आत्मा है, ये पूरी तरीके से महिलाओं के हित में है। जो लोग समान नागरिक संहिता के बारे में इट्स बट्स कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं वास्तव में वो संविधान का अपमान कर रहे हैं, वो सेकुलर पाखंडी हैं और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये वास्तव में वो बाबा साहब का नाम तो ले रहे हैं लेकिन बाबा साहब को इंसल्ट कर रहे हैं। अगर संविधान सभा में आप बाबा साहब का जो लास्ट उनकी डिबेट हुई जिन्होंने कहा है 1948 में कि इस देश में बहुत जरूरी है समान नागरिक संहिता लागू करना, और फिर से मैं बार बार आशय कर रहा हूं ये समान नागरिक संहिता सबसे जो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को मिलेगा, जो आज वो सेकंड क्लास सिटीजन बनी हुई है उनको आज भी चिट्ठी के जरिए पोस्ट ऑफिस के जरिए स्पीड पोस्ट के जरिए पता नहीं कैसे कैसे आज भी उनको तलाक भेज दिया जाता है, एक तरफा तलाक दे दिया जाता है, उनको केवल महरम की रकम मिलती है 5,000-10,000 रुपए, उनको गुजारा भत्ता नहीं मिलता, उनको गोद लेने का अधिकार नहीं मिला हुआ है, उनको बच्चे के भरण पोषण का अधिकार नहीं मिला है, उनको विरासत का अधिकार नहीं मिला है, मुस्लिम बेटियों को वसीयत का इक्वल राइट नहीं मिला हुआ है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट तो मुस्लिम बेटियों को होगा, पता नहीं कैसे अपने आप को जो मुस्लिम्स के सेकुलर कहने वाले लोग हों इसका विरोध कर रहे हैं, उनको तो खुल के इसका स्वागत करना चाहिए। हिंदू इसका समर्थन कर रहे हैं या जो अपने आप को हिंदूवादी कह रहे हैं वो समर्थन कर रहे हैं, एक्चुअल में हिंदू बहन बेटियों को इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, हिंदू बहन बेटियों को इक्वल राइट पहले मिल चुका है। अर्पिता जी आपको इक्वल राइट मिला हुआ, आपको जरूरत नहीं है, जरूरत तो हमारी मुस्लिम बेटियों का है जिसकी लड़ाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और जिसकी लड़ाई अभी सरकार ने भी शुरू किया है, कमेटी बनाया, तो मुझे लगता है सबको स्वागत करना चाहिए इसका। तो अब्दुल मनन, अरे भाई तो मैं कह तो रहा हूँ कि मुस्लिम महिलाओं के लिए इनको किनके दिल में कितना दर्द है, इन्होंने बिल्किस बानो के लिए PIL दाखिल किया और ये जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़े मामला है, ये हिंदू कुरीतियों के लिए भैया जो मेरे पास आएगा उसी का तो करूंगा।
जो मेरे पास आएगा उसी का करूंगा। समीना बेगम आई मैंने किया, बेनजीर आई मैंने किया, गुलबर्गा से लेटी आई मैंने किया, नाजरीन निसा आई मैंने किया, जो मेरे पास तीन तलाक की पीड़िता आई मैंने किया, हलाला की पीड़िता आई मैंने किया, मुताह की पीड़िता आई मैंने किया, मिसयार की पीड़िता आई मैंने किया, तो जो मेरे पास आएगा उसी करूंगा ना। जो मैं घर जाके थोड़ी क्लाइंट ढूंढ के लाऊंगा, जो मेरे पास आता मैं उसी का केस लड़ता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। मैं घर घर जाके वो अपना क्लाइंट नहीं ढूंढता, घर घर जाके मैं लोगों से नहीं मिलता। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट है, वहां गौकशी होती है, उस पे आप इतराज क्यों नहीं करते हैं आप भाजपा लोग, क्योंकि यहाँ पे ये, अरे गौकशी से क्या लेना देना भैया, खाने पीने से क्या लेना देना, क्या बात कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन सिविल कोड का खाने पीने से, नमाज पढ़ने से, मंदिर जाने से, तिलक लगाने से, रक्षा पहनने से, इससे कोई लेना देना नहीं। कॉमन सिविल कोड में केवल सात आठ चीजें होंगी, बाल विवाह बंद होगा, बहु विवाह बंद होगा, हलाला बंद होगा, मुताह बंद होगा, मिसयार बंद होगा, दारुल कजा बंद होगी, शरिया कोर्ट बंद होगी, तलाक का तरीका एक हो जाएगा, तलाक का ग्राउंड एक हो जाएगा, विरासत का अधिकार सबको, इसमें बाकी चीजें कहां से आ गई। पश्चिम बंगाल में, कश्मीर में, केरला में आप गौकशी के लिए अलाउ किए हुए। अरे अब्दुल मनन साहब, जरा ना डिबेट जब खत्म होगी, चर्चा जब खत्म हो जाएगी, तो जरा पढ़िएगा आप इसके बारे में कि क्या क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आएगा। गोकशी कहां ले जा रहे हैं मामला, वो है ही नहीं सर, ये आपको शुरुआत से ये चीज बताई जा रही है, आप उसी में टिके हुए हैं, उन्होंने आपको गिनवा दिया, या तो आप तक आवाज नहीं पहुंच रही या आपने अपने कान हमेशा के लिए बंद कर लिए हैं। सर भाई, आप जब सिविल कोड का मामला आएगा तो आपके खान पान पे भी बात होगी, क्यों होगी शादी भी, आप खान पान भी कहां सर, आपने कहां लिखा मिला आपको, कहां से पता चला सर आपको, प्रॉपर्टी का शेयरिंग भी बात होगी, सारी चीजें आएंगी। नहीं नहीं, कहां से आएंगी सर, ये किसने बताया कि दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई सर आपको। बीजेपी जहां फंसती है वहां ढाल की तरह आप खड़ी हो जाती हो। नहीं नहीं नहीं, ये जो दिव्य ज्ञान है सर, ये हिमालय की गोद में मिला, कहां मिला आपको, कैसे पता चला सर, खान पान से संबंधित गौकशी का मामला, ये कहां से पता चला आपको सर। क्या आप नॉर्थ ईस्ट में कुत्ता खाते हैं, लोग सबको कुत्ता खिलवाओगे क्या, फिर आप खाने पे टिके हुए हैं। एक शब्द पूछिए इनको, सबको इक्वल राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस इतना पूछिए इनसे, बताइए जरा सर अब्दुल जी। अरे सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है आपको। ये बताओ कि पूरे देश के हर नागरिक का बराबर अधिकार है कि नहीं।